मस्जिद में करते हैं, अपने मंदिर में करते हैं, गिरजा गुरुद्वारा में करते हैं, लेकिन सड़कों पर एक हिंदुस्तानी बन करके रहते हैं। ये लोग हमें समझाने आते हैं, ये हमें समझाएंगे। देश की जनता ने आपको वोट दिया था, आपको सिंहासन दिया था, इसलिए दिया था कि आप देश का भला करेंगे, देश की जनता के लिए नौकरी लाएंगे, देश की जनता के रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे, हमारी माँ बहनों को सेफ्टी देंगे, उनकी इज्जत आबरू की मुहाफजत करेंगे। लेकिन मैं इस मंच से मोदी जी और शाह जी आपसे मुतालबा करते हैं, तमाम धर्म के लोग, कि आप इस हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री और अमित शाह जी गृह मंत्री के कुर्सी के लायक नहीं है। आपने ईवीएम मशीन के जरिए हुकूमत बनाई है, लिहाजा आप फौरन इस्तीफा दीजिए। एक मरतबा जोर से नारे लगाइए, इंकलाब, 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई भाई, देश के दुश्मन दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, देश के दुश्मन दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, सीए वापस लो, सीए वापस लो, जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। मैं आप सबके जज्बे का एहतराम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ तमाम धर्म के लोगों को, जो लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये एक हिंदुस्तान है और यही मोहब्बत हमारी केंद्र सरकार को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो हमें धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, भेदभाव के नाम पर बांटना चाहते हैं। और ये हमें बताते हैं कि ये हमें कुरान सिखाएंगे, ये हमें गीता सिखाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हमने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, हमने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, और जो लड़ते हैं उसे कभी पढ़ते नहीं देखा। ये लोग जो देश में दंगा फैलाते हैं और दंगा फैला करके देश की जनता को बांटते हैं, उनके इस गलत पॉलिसी की सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं, और ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सरकार से अपील करते हैं कि फौरी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कपिल मिश्रा जैसे आतंकियों को फौरन गिरफ्तार करके उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो देश की अमन और शांति खतरे में रहेगी। लिहाजा इस सेकुलर मंच से हम तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के गिरफ्तारी का मुतालबा करें, और उन पुलिस वालों के लिए भी सख्त मुतालबा किया जाए जिसकी निगरानी में आतंकियों ने दिल्ली में आतंक फैलाया है। और हम उसमें जितने लोग शहीद हुए हैं सबके रूह के लिए दुआएं करते हैं, और उनके खानदान वालों के लिए
دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور دیش کے نوجوانوں کو اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دیش کو اللہ نظر بد سے بچائے. بہت بہت شکریہ. جے ہند.